नमस्कार दोस्तों दोस्तों गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन महाविद्या भुवनेश्वरी को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव की अर्धांगिनी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार इनकी पूजा से सुख और ईश्वर और संतान की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की तरह देवी भुवनेश्वरी भी भोली हैं और अपने भक्तों को कम प्रयासों से ही मनचाहा वरदान देती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जिस किसी के भी संतान न होती हो, कोख बंधी हो जिसे कहते हैं, या किसी कारण से बच्चे का पेट ना भरता हो, तो पति पत्नी दोनों को माता भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। ये मंत्र दिया है, इसका जप करना है। जप करने के लिए नहा धो करके ऊनी आसन पर बैठकर स्तुपिक की माला से इस मंत्र का जप करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। इसके बाद जो मंत्र दिया है इसका जप करें और फिर भुवनेश्वरी माता की स्तुति है, इसका जप करें। स्तुति है जगत जननी मुस्कुराती जपा कुसुमवत रक्तवर्णा चतुर्भुजा त्रिनेत्रा अभय और वर देने वाली माँ भुवनेश्वरी। माँ जग में भरा घोर अंधेरा हमें चाहिए अभयदान। माँ आप हैं त्रिभुवन की श्रेष्ठा, आप ही हैं सौभाग्य कारिणी। मान बचा दें आप हमारा, पूरी कर दें सभी कामना। हम करते आपकी वंदना, भूल हमारी कर दें माफ़, जग परिपालक भुवनेश्वरी माँ। शास्त्रों में इस मंत्र को चमत्कारी मंत्र बताया गया है, हर कामना पूरी करने वाला मंत्र है ये, ऐसी मान्यता है। हमें आज्ञा दें, उम्मीद है आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नमस्कार।